दिवाली के दिन जहां माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, तो वहीं छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी पर यमदेव की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस दिन यमदेव के नाम का दीपक जलाने व पूजन करने से नरक जाने से मुक्ति मिलती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे नरक चतुर्दशी की रात किस स्थान पर कितने दिए जलाने से क्या फायदा मिलता है और इसकी सही विधि, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो छोटी दिवाली के दिन घर के मुख्य रूप से 5 दिए जलाने का प्रचलन है। कहते हैं कि इन 5 दियों में से एक दिया घर के पूजा पाठ वाले स्थान, दूसरा रसोई घर, तीसरा उस जगह जलाना चाहिए जहां हम पीने का पानी रखते हैं, चौथा दिया पीपल या वट के पेड़ के नीचे और 5वां दिया घर के मुख्य द्वार पर जलाना चाहिए। इन 5ों स्थान पर दिए जलाने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन अगर आप इस दिन 14 अलग अलग जगहों पर दिए जलाते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए जानते हैं किन स्थानों पर जलाएं ये 14 खास दिए। पहला दिया छोटी दिवाली यानी कि 24 अक्टूबर को सरसों का तेल डालकर घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर जलाएं। दूसरा दिया किसी सुनसान देवालय में रखा जाता है, ये दीपक घी का होता है, कहते हैं इससे हर प्रकार के कर्ज से मुक्ति मिलती है। तीसरा दीपक माता लक्ष्मी के समक्ष जलाया जाता है, इससे धन की समृद्धि होती है। चौथा दिया माता तुलसी के समक्ष जलाते हैं, इससे घर में वैभव और ऐश्वर्य बढ़ता है। पांचवा दिया घर के बाहर दरवाजे पर सांझ के वक्त जलाएं। छठा दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाते हैं, इससे घर के सारे बुरे प्रभाव दूर होते हैं। सातवा दिया किसी भी आसपास के मंदिर में जलाकर रख दें। आठवां दिया घर में कूड़ा कचरा करने वाले स्थान पर जलाते हैं। नौवां दिया घर के बाथरूम में नाली के पास जलाते हैं। दसवां दिया घर की छत पर किसी कोने पर जलाते हैं। ग्यारहवां दिया रसोई घर में जलाते हैं, इससे अन्न जल में बरकत बढ़ती है। बारहवां दिया घर की किसी मुख्य खिड़की के पास जलाते हैं। तेरहवां दिया घर की सीढ़ियों या फिर बीचों बीच जलाते हैं। चौदवा जहां पानी और खाना रखा जाता है वहां जलाते हैं। ये दिए आप सरसों या तिल के तेल के साथ जला सकते हैं। कहते हैं अगर कोई इंसान इस दिन ये 14 दीपक जलाता है तो उसे सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती और ऐसे इंसान को यमलोक पीड़ा भी नहीं सहनी पड़ती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, कमेंट करके जरूर बताएं। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।